हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के बारे में। क्या इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर हाई और लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है? इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर दिन भर बदलता रहता है। कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसे परफेक्ट कहा जाए। जो किसी एक व्यक्ति के लिए कम होगा वही दूसरे के लिए सामान्य हो सकता है। वैसे उम्र के साथ ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक सामान्य समस्या है, लेकिन एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हाई और लो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर। नंबर एक, नींबू। सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं, या दोपहर के खाने के बाद एक गिलास नींबू पानी पी लें। नींबू रक्त नलिकाओं को मुलायम रखता है। नंबर दो, लहसुन। कच्चे लहसुन को सलाद के साथ या सब्जी के साथ खाएं। लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के निर्माण को स्टिमुलेट करके रक्त नलिकाओं को रिलैक्स रखता है। नंबर तीन, केला। केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत है जो सोडियम के प्रभाव को कम करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में सहायता करता है। रोज एक या दो केले खाने चाहिए। नंबर चार, नारियल पानी। यह सिस्टोलिक दाब को कम करने में सहायता करता है। दिन में एक नारियल पानी जरूर पिएं। अगर इसे सुबह खाली पेट पी सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। लो ब्लड प्रेशर। नंबर एक, एक कप शकरकंद का जूस दिन में दो बार पिएं। यह लो ब्लड प्रेशर का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। नंबर दो, मिट्टी के बर्तन में 32 नग किशमिश को डालें। बर्तन को पानी से पूरा भर दें। सुबह खाली पेट उन्हें एक एक करके चबाएं और उसके बाद पानी भी पी लें। नंबर तीन, तुलसी की 10 से 15 पत्तियों को पीसकर उनका रस निकाल लें। उसे एक चम्मच शहद के साथ खाली पेट खाएं। नंबर चार, एक कप स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी पिएं। नंबर पाँच, 7 बादाम रात में भिगोएं, छिलका उतारकर पीस लें और दूध में थोड़ी देर उबाल लें। इसे गुनगुना करके पिएं। नंबर छः, कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कॉफ़ी भी निम्न रक्तदाब में बहुत लाभकारी है। यह रक्तदाब को तेज़ी से बढ़ा देती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। नंबर सात, डिहाइड्रेशन भी लो बीपी की वजह बन सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप लो और हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।